नमस्कार दोस्तों, आज आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब बहुत बढ़िया होंगे, बहुत अच्छे होंगे। हमारी वीडियोस को लगातार पसंद करने के लिए, लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम अपना एक बिजनेस करेंगे और साथ ही बनाएंगे उसकी बैलेंस शीट और पता करेंगे कि हमने क्या कमाया और क्या गमाया। ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरी पेशेंस, पूरे धैर्य के साथ बैठिएगा। और आपसे ये भी रिक्वेस्ट है कि आप पेन और पेपर लेकर बैठिएगा और साथ ही साथ इस बिजनेस को कीजिएगा, जिससे आपका बैलेंस शीट का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आपसे ये भी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बार बार देखिए, जिससे आपको पता चलेगा कि बैलेंस शीट कितनी आसान है और कितनी मजेदार भी हो सकती है। और दोस्तों, एक एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत काम करना पड़ता है, पर मेरा ये जुनून है कि आपको आपके डर से बाहर निकालना है, बैंकिंग को आसान बनाना है। इसलिए प्लीज वीडियो देखने के बाद कमेंट जरूर कीजिए, अच्छा बुरा कुछ भी, नहीं पसंद आए तो अनलाइक कीजिए, पर कीजिए जरूर। तो शुरू करते हैं अपना बिजनेस। एक बिजनेस करने के लिए सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले हमारे पास एक आइडिया आता है। तो मेरे पास एक आइडिया आया कि हम एक गारमेंट्स की शॉप खोलेंगे, एक कपड़ों की दुकान खोलेंगे। आइडिया आने के बाद दूसरा काम, हम बजट डिसाइड करते हैं और फंड्स अरेंज करते हैं कि हम जितना भी पैसा लगाकर अपना शॉप खोलने वाले हैं, अपनी दुकान खोलने वाले हैं, उसके लिए पैसा कहां कहां से आएगा, कितना हम अपने पास से लगाएंगे, कितना अपने रिश्तेदारों से लेंगे, अपने दोस्तों से लेंगे। फिर हम क्या करते हैं, हम जगह ढूंढते हैं कि हम काम कहां पर करेंगे। तो मैंने एक शॉप ली जो कि रेंट पर थी। उसके बाद अपनी शॉप के लिए मैंने फर्नीचर और कंप्यूटर खरीदा और जो छोटे मोटा सामान जरूरत था अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए वो खरीदा। इसके बाद उस शॉप की सफाई करवाई, व्हाइट वॉशिंग करवाई। फिर मैंने अपनी शॉप के लिए, जब वो शॉप रेडी हो गई, तो मैंने अपनी शॉप के लिए गारमेंट्स खरीदे। गारमेंट्स खरीदने के बाद में जब गारमेंट्स को अपने शॉप तक हम लेकर आएंगे तो उसके ट्रांसपोर्ट के लिए हमें पैसे देने पड़ेंगे। तो मैंने ट्रांसपोर्ट के लिए पैसे दिए, भाड़ा दिया। उसके बाद उन गारमेंट्स को मैंने बेचना शुरू किया। गारमेंट्स बेचने के बाद में मैंने अपना जो स्टाफ रखा था उसको सैलरी दी, अपने बिजली के बिल पे किए, अपने मोबाइल के बिल पे किए, साथ ही साथ जो पैकिंग करके हमें कपड़े बेचने पड़ते हैं वो पैकिंग के लिए पैसा खर्च किया, अपनी दुकान का रेंट पे किया। और फिर मैं बैठ गया कि अपने प्रॉफिट का कैलकुलेशन करता हूं या अपने लॉस का कैलकुलेशन करता हूं कि मैंने कुछ कमाया भी या सिर्फ गंवाया। तो अब हम आ जाते हैं कि हम ये कैलकुलेशन कैसे करेंगे, हम ये शॉप को कैसे रन करेंगे। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आइडिया आया कि हमें करना क्या है। तो मैंने एक गारमेंट शॉप के लिए प्लान किया कि मैं 5 लाख रुपए से अपने कपड़ों की दुकान स्टार्ट करूंगा। अब इसमें मैंने यह प्लान किया कि मैं 4 लाख रुपए तो अपने लगाऊंगा, अब 1 लाख रुपए कहां से लाऊंगा। तो 1 लाख रुपए के लिए मैंने अपने फादर से रिक्वेस्ट करी, तो 1 लाख रुपए में मैंने अपने फादर से लिया। तो इस तरह से ही मेरे 5 लाख रुपए का बजट पूरा डिसाइड हो गया, 4 लाख रुपए अपने और 1 लाख रुपए जो मैंने पापा से लिए। अब ये जो 5 लाख रुपए मेरे पास आए, इसको हम रखेंगे कहां? तो मैंने क्या किया, मैंने एक बैंक अकाउंट खोला अपनी शॉप का, जिसमें कि 5 लाख में से 4.5 लाख रुपए मैंने बैंक में डिपॉजिट कर दिए और बाकी जो 50,000 रुपए थे वो मैंने छोटे मोटे खर्चों के लिए अपने पास रख लिए कैश में। तो इस तरह से ये 5 लाख रुपए जो मैंने इकट्ठा किए थे वो 5 लाख का ब्रेकअप इस तरह से कर दिया। 4.5 लाख रुपए बैंक में करंट अकाउंट खोल के वहां जमा कर दिए और 50,000 रुपए अपने पास कैश में रख लिए, जिससे मैं छोटे मोटे खर्चे कर सकूं, छोटे मोटे अपने एक्सपेंसेस को निपटा सकूं। अब बात आ जाती है शॉप की। तो मैंने एक शॉप रेंट पर ले ली। रेंट पर लेने के लिए अक्सर आपने देखा होगा, जब आप रेंट पर कोई मकान या शॉप या कोई ऑफिस लेते हैं तो आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ता है। तो मुझे भी 25,000 रुपए का, 25,000 का सिक्योरिटी डिपॉजिट उस शॉप के लिए देना पड़ा। तो ये सिक्योरिटी डिपॉजिट मैंने कैसे दिया, ये मैंने चेक से दिया। चेक कहां से जाएगा, चेक मेरे बैंक अकाउंट से जाएगा। तो क्या होगा, ये जो 25,000 रुपए है ये मेरे बैंक अकाउंट से साथ ही साथ में माइनस हो जाएगा। तो मैंने यहां बैंक अकाउंट में से जो 4.5 लाख रुपए मैंने बैंक में जमा किए थे उसमें से 25,000 रुपए माइनस कर दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा, अब मैंने अपनी शॉप के लिए कुछ फर्नीचर, कंप्यूटर और छोटी मोटी चीजें और खरीदी, जिससे मेरी शॉप स्टार्ट हो सके। इसका जो पेमेंट है, ये जो टोटल अमाउंट था फर्नीचर का, कंप्यूटर का, ये अमाउंट हुआ 2 लाख रुपए। तो ये 2 लाख रुपए भी मैंने चेक से पे किए। चेक फिर से कहां से जाएगा, चेक मेरे बैंक अकाउंट से निकलेगा। तो मैंने बैंक अकाउंट से 2 लाख रुपए और कम कर दिए, 2 लाख रुपए और माइनस कर दिए। आगे बढ़ते हैं।
इसके बाद मैंने दुकान में सफाई करवाई, शॉप में सफाई करवाई, क्लीनिंग करवाई, व्हाइट वॉशिंग करवाई, जिसमें मेरा टोटल 8,000 रुपए का खर्चा हुआ। ये पैसा मैंने कैश में पे किया, तो जब कैश में पे किया तो जो मैंने कैश अपने पास रखा था दुकान शुरू करते समय, उसमें से 8,000 रुपए ये मैंने कम कर दिए, ये 8,000 रुपए मैंने माइनस कर दिए। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद मैंने, अब मेरी शॉप पूरी तरह से तैयार थी काम करने के लिए, काम को स्टार्ट करने के लिए, तो मैंने अब अपने शॉप के लिए गारमेंट्स खरीदे होलसेल मार्केट से। तो ये गारमेंट जो मैंने खरीदे वो टोटल 4,00,000 रुपए के खरीदे। अब ये 4,00,000 रुपए का मैंने डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया, ये 4,00,000 रुपए का जो माल मैंने खरीदा वो कैसे कैसे खरीदा, कहां कहां से खरीदा, तो इसमें से जो 2,00,000 रुपए का माल था वो मैंने एक रामा गारमेंट्स, एक होलसेलर था, उससे खरीदा और क्रेडिट पर खरीदा। क्रेडिट पर खरीदने का मतलब क्या होता है कि मैंने डिसाइड किया कि ये पैसे हम बाद में देंगे। रामा गारमेंट्स मेरा जानने वाला था तो इस बात पर राजी हो गया कि ये पैसे वो बाद में ले लेगा। अब चूंकि ये पैसा बाद में देना है तो ऑब्वियसली इससे ना तो तुरंत मेरे बैंक में कोई इफेक्ट आएगा, ना ही मेरे कैश पे कोई इफेक्ट आएगा, तो इसलिए मैंने यहां पर बैंक में या कैश में कोई भी इसके लिए कोई एंट्री नहीं डाली। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मैंने और जो माल था 1,20,000 का जो माल था वो एक और होलसेलर था, मोहम्मद टेक्सटाइल्स, उससे मैंने खरीदा, पर इसको मैंने तुरंत ही चेक से पेमेंट कर दिया। तो जब मैंने चेक से पेमेंट कर दिया ये 1,20,000 रुपए का, तो ये चेक कहां से निकलेगा, ये भी मेरे बैंक से निकलेगा। तो ये 1,20,000 रुपए मैंने बैंक से और कम किए, लेकिन इसके साथ ही मैंने एक और होलसेलर से माल खरीदा 80,000 रुपए का, जो कि थी सुपर क्लोदिंग, इसको भी मैंने चेक से पेमेंट कर दिया तुरंत ही। तो ये 1,20,000 और 80,000 मिलकर हो गया 2,00,000 रुपए, तो ये 2,00,000 रुपए भी मेरे बैंक से कम हो गए। तो ये 2,00,000 रुपए मैंने यहां बैंक से और माइनस कर दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से मेरे पास जो टोटल माल हो गया, जो टोटल स्टॉक मेरे पास हो गया, वो हो गया 4,00,000 रुपए का। 4,00,000 रुपए का मैंने माल खरीदा, 2,00,000 रुपए का खरीदा क्रेडिट पे रामा गारमेंट से, जिसको मैंने कह दिया भाई बाद में देंगे, अभी पैसे नहीं दूंगा मैं। तो इसकी मैंने कोई एंट्री बैंक में या कैश में नहीं डाली। इसके बाद मोहम्मद टेक्सटाइल से मैंने 1,20,000 रुपए का माल खरीदा, उसको मैंने तुरंत ही चेक से पेमेंट कर दिया। सुपर क्लोदिंग से भी मैंने 80,000 रुपए का माल खरीदा, उसको भी मैंने चेक से पेमेंट कर दिया। तो ये जो 1,20,000 और 80,000 रुपए मिलकर हुए 2,00,000 रुपए, ये मैंने यहां अपने बैंक अकाउंट से कम कर दिए। अब मेरे पास टोटल जो स्टॉक हो गया, टोटल जो गारमेंट्स हो गए, वो हो गए 4,00,000 रुपए के। सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस माल को मुझे अपनी दुकान तक लेकर आना था, तो दुकान तक लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे ट्रांसपोर्ट के लिए पैसे देने पड़ेंगे, यानी कि भाड़े के लिए पैसे देने पड़ेंगे, जो कि थे 2,000 रुपए। ये 2,000 रुपए मैंने ट्रक वाले को कैश में दिए। तो जब कैश में मैं पैसे दूंगा तो मैं क्या करूंगा, मैंने 2,000 रुपए जो मैंने अपने पास कैश रखा था उसमें से कम कर दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब मेरे पास दुकान में माल आ चुका है, मैंने दुकान में वो माल लगा दिया, अपनी शॉप को स्टार्ट कर दिया। जब शॉप को स्टार्ट कर दिया तो क्या हुआ, मैं अपना माल बेचूंगा। जब माल बेचूंगा तो मैं क्या करूंगा, मैं जब इनवॉइस काटूंगा उसकी, जब मैं बिल काटूंगा तो क्या होगा, मैं ऑब्वियसली जितने में मैंने वो माल खरीदा था, मान लीजिए कि कोई छोटा सा गारमेंट है 1,000 रुपए का, और मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं हर प्रोडक्ट के ऊपर 40% का प्रॉफिट लेके चलूंगा। मतलब क्या हो जाएगा, अगर कोई 1,000 रुपए का गारमेंट था और 40% का मैं प्रॉफिट लेके चलता हूं, तो यानी कि 1,000 का 40% हो गया 400 रुपए, यानी कि उसका जो सेलिंग प्राइस बन गया प्रोडक्ट का, गारमेंट का, वो बन गया 1,000 प्लस 400, यानी कि 1,400 रुपए, 1,400 रुपीज। तो इसी तरह से मैंने क्या किया, मैंने जब अपनी सेल कर ली टोटल, तो मैंने टोटल 2,50,000 रुपए का जो माल खरीदा था 4,00,000 में से, वो 40% प्रॉफिट के साथ 3,50,000 रुपए में बेच दिया। यानी कि मैंने अभी सारा माल अपना नहीं बेचा है, माल जो मैं लेकर आया था, जो मैं स्टॉक लेकर आया था, वो तो 4,00,000 रुपए का था। 4,00,000 रुपए में से जरूरी तो नहीं है कि सारा माल बिक जाएगा, तो मेरा जो माल बिका वो 2,50,000 रुपए का बिका। इस 2,50,000 रुपए पे मैंने 40% का प्रॉफिट लिया, तो 2,50,000 का 40% हो जाता है 1,00,000 रुपए, यानी कि जो मेरा टोटल सेलिंग प्राइस हो गया वो हो गया 3,50,000 रुपए। सिंपल। आगे चलते हैं। अब ये जो 3,50,000 रुपए है, ये जरूरी नहीं है कि सारा कैश में बिके, इसमें से हो सकता है कुछ मैंने उधार पे भी बेचा हो, या किसी को होलसेल पे बहुत सारा माल एक साथ दे दिया हो, जो कि मुझे पैसे बाद में देगा। तो अब हम इस 3,50,000 रुपए का ब्रेकअप देखते हैं, कि जो 3,50,000 रुपए का जो माल मैंने बेचा है, ये कैसे कैसे बेचा है, इसका ब्रेकअप क्या है। तो
अब इस 3.5 लाख रुपए में से 1 लाख रुपए का जो माल है वो मैंने कैश में बेचा है, 1 लाख रुपए के कपड़े मैंने कैश में बेचे। अब इस 1 लाख रुपए का हम करेंगे क्या, इस 1 लाख रुपए में से जो 95,000 रुपीज था वो मैंने बैंक में जमा कर दिया, तो इसलिए मैंने यहां पर लिखा 95,000 डिपॉजिटेड इन बैंक, और बाकी जो 5,000 रुपए था वो मैंने कैश में अपने पास रख लिया आगे के यूज के लिए, आगे के खर्चों के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, इस 1 लाख का जो ब्रेकअप है 95,000 हम ऐड कर देंगे अपने बैंक अकाउंट में, सिंपल। और जो 5,000 रुपए जो मैंने अपने पास कैश में रखे वो हम यहां कैश में ऐड कर देते हैं, ये मैंने यहां कैश में ऐड कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम क्या करेंगे, टोटल माल तो मैंने बेचा था 3.5 लाख रुपए का, जिसमें से 1 लाख रुपए तो ये हो गया, अब बचा 2.5 लाख रुपए। तो ये जो 2.5 लाख रुपए का माल था ये मैंने एक और कुमार क्लॉथ हाउस नाम की दुकान थी, शॉप थी, जिसने मुझसे एक साथ 2.5 लाख रुपए का माल उठा लिया, लेकिन उसने बोला कि पैसे वो बाद में मुझे देगा, तो इसलिए मैंने यहां लिखा बाद में लेंगे, ये पैसे हम बाद में लेंगे। तो अगर हम बाद में लेंगे, जब पैसा मेरे पास तुरंत नहीं आया, तो इसका इंपैक्ट ना तो मेरे बैंक अकाउंट के ऊपर आएगा ना ही मेरे कैश के ऊपर आएगा, इसका इंपैक्ट तुरंत कहीं पर भी नहीं आएगा, इसलिए मैंने इसके लिए अपने कैश और बैंक बैलेंस को बिल्कुल नहीं छेड़ा, उसको एज इट इज रहने दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब माल तो बिक गया, अब लेकिन साथ ही साथ कुछ और खर्चे भी होंगे, जैसे मुझे अपने स्टाफ की सैलरी पे करनी पड़ेगी, मान लीजिए मैंने स्टाफ को 6,000 रुपए की सैलरी पे करी इस दौरान, साथ ही मैंने इलेक्ट्रिसिटी के लिए 2,000 रुपए, बिजली का जो बिल आया वो 2,000 रुपए का आया, उसके बाद मोबाइल का जो पे जो खर्चा हुआ वो 2,000 रुपए का हुआ, जो पैकिंग पर खर्चा हुआ क्योंकि पैकिंग भी मैं कर रहा हूं साथ ही साथ में, जब मैं माल बेचूंगा तो मुझे पैक करके बेचना पड़ेगा, तो उस पर भी मेरा 1,000 रुपए का खर्चा हो गया। तो इस तरह से ये जो चारों ही खर्चे थे, सैलरी का, इलेक्ट्रिसिटी का, मोबाइल का और पैकिंग का, ये सारा ही मैंने कैश में किया, 6,000 रुपए, 2,000 रुपए, 2,000 रुपए और 1,000 रुपए, ये सब चारों चीजें मिलाकर हो जाता है 11,000 रुपए। चूंकि ये सारा ही कैश में पे किया है तो इसका इंपैक्ट कहां पर आएगा, इसका इफेक्ट कहां पर आएगा, ये सीधे सीधे मेरे कैश में से 11,000 रुपए कम हो जाएंगे। तो मैंने अपने कैश में से 11,000 रुपए और कम कर दिए, ये जो कैश बैलेंस मेरा 50,000 रुपए से स्टार्ट हुआ था इसमें से ये मैंने 11,000 रुपए और कम कर दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब क्या होगा, अब मैंने दुकान चूंकि रेंट पे ली थी, शॉप अपनी किराए पर ली थी, तो उसका किराया भी मुझे पे करना है, तो किराया उसका हुआ 24,000 रुपए जो कि मैंने चेक से पे किया अपने लैंडलॉर्ड को, तो चेक से पे किया तो इसका इंपैक्ट कहां पर आएगा, इसका इंपैक्ट सीधे मेरे बैंक अकाउंट के ऊपर आएगा। तो हम क्या करेंगे, 24,000 रुपए हमने बैंक से और कम कर देते हैं, तो भाई धीरे धीरे हमारा बैंक बैलेंस भी कम हो रहा है और हमारा कैश बैलेंस भी कम हो रहा है। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, अब क्या होगा, जो मैंने कंप्यूटर और फर्नीचर या और जो छोटा मोटा सामान अपनी शॉप को रन करने के लिए खरीदा था, शॉप को चलाने के लिए खरीदा था, क्या होता है जब हम कोई भी चीज यूज करते हैं, जैसे हम कार खरीदते हैं, कार को यूज करते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है, कार की वैल्यू उसी दिन से कम होना शुरू हो जाती है। इसी तरह से जब हम अपनी शॉप पे कंप्यूटर खरीदते हैं, फर्नीचर लगाते हैं, तुरंत ही उसमें वैल्यू उसकी घटनी शुरू हो जाती है, उसका वेयर एंड टियर शुरू हो जाता है, उसको क्या कहते हैं, उसको बोला जाता है डेप्रिसिएशन। हम ये मान लेते हैं कि जो डेप्रिसिएशन हो रहा है, ये जो वेयर एंड टियर हो रहा है, ये 15% हो रहा है उस कंप्यूटर और फर्नीचर की वैल्यू पर। लेकिन अब इसमें एक खास बात है, ये डेप्रिसिएशन सीधे सीधे हमारी वैल्यू में से कम तो होता है, जो हमने सामान खरीदा होता है उसकी वैल्यू में से कम तो होता है, लेकिन असल में इसका हमें पैसा किसी को देना नहीं पड़ता, इसलिए मैंने यहां पर लिखा है डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर एंड फर्नीचर 15% नॉट पेड, हमने किसी को इसके बारे में पे नहीं किया, ये डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट है वो हम किसी को पे नहीं करते, लेकिन क्या होता है, वैल्यू तो कम होती है ना एसेट की, जो हमने सामान खरीदा था उसकी वैल्यू तो कम हो रही है ना। अब हमने ये जो कंप्यूटर फर्नीचर था वो कितने का खरीदा था आपको याद है, ये हमने खरीदा था 2 लाख रुपए का, तो ये 2 लाख रुपए पर मैं ये मान के चल रहा हूं कि 15% का वेयर एंड टियर, 15% की उसकी वैल्यू कम हो जाएगी जितने दिन मैं उसको यूज करूंगा, तो 2 लाख का 15% क्या हो गया, वो हो गया 30,000 रुपए। तो ये 30,000 रुपए मेरे उस कंप्यूटर और फर्नीचर की वैल्यू में से कम हो जाएंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, ये 30,000 रुपए जब कंप्यूटर और फर्नीचर की वैल्यू में से कम होंगे तो हम इसकी वैल्यू को 30,000 रुपए से कम कर देते हैं, सिंपल। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम क्या करेंगे, अब हम ये देखेंगे कि ये जो सारी एंट्रीज हुई, ये जो सारा हमने बिजनेस किया, अब हम पता लगाएंगे कि आखिर से इंपैक्ट क्या हुआ, हमने कुछ कमाया भी या सारा कुछ गंवा ही दिया। तो इसके लिए क्या करते हैं,
इसके लिए हम एक छोटा सा एडजस्टमेंट करते हैं। मैं इस कॉलम को थोड़ा सा कम कर देता हूं इस तरह से, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आई हो तो आप इस वीडियो को दोबारा देखिए, शुरू से देखिए, क्योंकि ये वीडियो आपका बैलेंस शीट का जो डर है, बैलेंस शीट का जो कंफ्यूजन है, उसको पूरी तरह खत्म कर सकता है। लेकिन शर्त यही है कि हम हर एक पॉइंट को बहुत अच्छे से समझें, बहुत अच्छे से जानें, साथ साथ में लिखें, साथ साथ में करें, तो हमें ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से समझ में आएगा। चलिए अब हम ये देखते हैं कि ये जो सारा का सारा हमने बिजनेस अभी तक किया, इसका इंपैक्ट क्या आएगा। एक एक चीज को पकड़ के चलते हैं। सबसे पहले हमने 4 लाख रुपए इस बिजनेस को शुरू करते समय अपने लगाए थे, तो जो पैसा हम अपना लगाते हैं बिजनेस को शुरू करते समय, उसे कहा जाता है कैपिटल। बैंकिंग की भाषा में, बैलेंस शीट की भाषा में, फाइनेंस की भाषा में इसको बोला जाता है कैपिटल। तो ये कैपिटल हमने कितना लगाया था, 4 लाख रुपए। पूरे बिजनेस के दौरान जितना हमने बिजनेस कर लिया, इस पर कोई इंपैक्ट आया क्या? कहीं कोई इंपैक्ट नहीं आया। तो ये 4 लाख रुपए एज इट इज बिजनेस में खड़ा है, 4 लाख रुपए का कैपिटल, ओन मनी मेरा खड़ा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 लाख रुपए मैंने बिजनेस शुरू करते समय अपने पापा से लिए, फादर से लिए। तो ये 1 लाख रुपए बैंकिंग की भाषा में इसको कहा जाता है अनसिक्योर्ड लोन। अनसिक्योर्ड लोन क्यों कहा जाता है? क्योंकि पहली बात तो ये लोन है, क्योंकि पापा से लिया है। जब हम किसी भी रिलेटिव से पैसा लेते हैं या कहीं से भी पैसा लेते हैं और बोरोइंग करते हैं, तो उसे कहा जाता है लोन, सिंपल। अनसिक्योर्ड क्यों कहा जाता है? अनसिक्योर्ड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस पैसे को जब मैंने पापा से लिया तो मैंने इसके अगेंस्ट उनको कुछ सिक्योरिटी नहीं दी है, केवल पैसा मैंने मांगा, आप लोगों से मुझे मिल गया, तो इसलिए इसे कहा जाता है अनसिक्योर्ड लोन। बहुत सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। डिपॉजिटेड विद बैंक, जो पैसा मैं बैंक में जमा करता हूं उसे क्या बोलेंगे? ऑब्वियसली बैंक बैलेंस बोलेंगे। अब इस बैंक बैलेंस में मैंने बहुत सारे बीच में पैसे निकाले भी और कुछ जमा भी किए, तो अब इस सारा का जब आप कैलकुलेशन कर लेते हैं तो ये कैलकुलेशन करने के बाद में ये पैसा जो बचता है बैंक में, वो बचता है 96,096,000 रुपए मेरा बैंक में बच गया फाइनली। तो ये मैंने यहां लिख दिया बैंक बैलेंस 96,000 रुपीज। ऐसे ही कैश में मैंने 50,000 रुपए कैश में अपने पास रखे थे शुरू में बिजनेस शुरू करते समय, उसमें भी मैंने बहुत बार पैसे निकाले और कुछ जमा भी किया, तो इसका भी जो फाइनल बैलेंस बना वो बना 34,034 रुपए, और इसको बैंकिंग की भाषा में बोला जाता है कैश इन हैंड या कैश बैलेंस। तो मैंने यहां लिख दिया कैश इन हैंड 34,000, सिंपल। आगे बढ़ते हैं। अब हमने शॉप अपनी किराए पर ली थी तो सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया था। सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या होता है? सिक्योरिटी डिपॉजिट जब हम अपनी शॉप को बंद करेंगे, दुकान अगर हम कभी बंद करेंगे, तो जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है ये हमारे पास वापस आ जाएगा। तो ये 25,000 रुपए मैंने एज इट इज लिख दिया सिक्योरिटी डिपॉजिट 25,000 रुपीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने अपनी शॉप के लिए कुछ फर्नीचर, कंप्यूटर और कुछ छोटा मोटा सामान खरीदा था जिससे हमारी शॉप स्टार्ट हो सके, हमारी शॉप एस्टैब्लिश हो सके। तो हमने ये सामान जो खरीदा था वो 2 लाख रुपए का खरीदा था। लेकिन जैसा मैंने पहले ही बताया कि जब हम कोई इस तरह का फर्नीचर, कंप्यूटर या कुछ भी अपने बिजनेस के लिए खरीदते हैं तो धीरे धीरे उसकी वैल्यू कम होना शुरू हो जाती है। तो वैल्यू कितनी कम हुई थी? 30,000 रुपए। तो 2 लाख रुपए में से 30,000 रुपए घट गए, बचा 1,70,000 रुपए। अब जो भी सामान हम अपनी शॉप को, अपने बिजनेस को रन करने के लिए लेते हैं, उसे बैंकिंग भाषा में बोला जाता है फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये सामान जब आपकी दुकान में एक बार आ गया तो ये फिक्स हो गया। आप इस सामान को नहीं बेचने वाले, इस सामान से तो आप अपने काम को रन करेंगे, अपने काम को चलाएंगे, इसलिए इसको बोला जाता है फिक्स्ड एसेट्स। आपकी दुकान में ये सामान आने के बाद फिक्स हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने क्या किया? हमने अपने शॉप में सफाई करवाई, व्हाइट वॉश करवाई, जिसमें हमने 8,000 रुपए खर्च कर दिए। तो उसको मैंने सिंपली लिख दिया क्लीनिंग एक्सपेंसेस 8,000 रुपए। आगे हमने अपनी दुकान के लिए अब गारमेंट्स खरीदे, यानी कि स्टॉक खरीदा। कितने का स्टॉक खरीदा था? 4 लाख रुपए का। तो इसको मैंने सिंपली लिख दिया परचेजेस। क्या है ये हमारी? ये हमारी परचेजेस हैं। तो हमने इसको लिखा 4 लाख रुपए के परचेजेस। इसके बाद हमने 2 लाख रुपए का जो सामान खरीदा था वो खरीदा था क्रेडिट पर रामा गारमेंट से। क्रेडिट पर मतलब हमने उसको ये बोला था कि ये पैसा हम उसको बाद में देंगे। तो जिसको हम पैसा बाद में देने वाले होते हैं उसको बैंकिंग की भाषा में बोला जाता है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि उसने हमको क्रेडिट दिया है।
तो ये क्रेडिटर कितने के हो गए, 2 लाख रुपए। इसको हमने कुछ भी पैसा वापस नहीं दिया है, तो ये एज इट इज फिगर खड़ी रहेगी 2 लाख रुपए की। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद टेक्सटाइल्स और सुपर क्लोथिंग, इनसे हमने जितना भी सामान खरीदा था उसका पैसा हम वहीं का वहीं हमने तुरंत ही चेक से पे कर दिया था, इसलिए ये एंट्री तो आएगी ही नहीं, ये एंट्री तो वहीं की वहीं खत्म हो गई। चलिए अब हमारे पास जो स्टॉक हुआ वो हुआ 4 लाख रुपए का, लेकिन इस 4 लाख रुपए में से हमने आगे जाके देखा कि हमने 2.5 लाख रुपए का माल बेच दिया है, तो 4 लाख में से 2.5 लाख रुपए का माल बेच देंगे तो हमारे पास माल बचेगा कितना, वो बचेगा 1.5 लाख रुपए का। अब एंड में जब हमारा जो माल बच जाता है, बच गया मतलब क्लोजिंग, और माल है चुकी तो वो हो गया स्टॉक, तो इसको बोला जाता है क्लोजिंग स्टॉक। जो माल बच जाता है उसे बोला जाता है क्लोजिंग स्टॉक। अब हमने माल को अपनी दुकान तक लाने के लिए कैश में कुछ खर्चा किया था 2000 रुपए का, तो उसको मैंने सिंपली लिख दिया ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस 2000 रुपए। चलिए अब हमने अपनी शॉप में माल बेचना शुरू किया, हमने जो माल टोटल बेचा वो 3.5 लाख रुपए का बेचा। अब हमें ध्यान ये रखना है इस 3.5 लाख रुपए में हमारा प्रॉफिट भी जुड़ा हुआ है, यानी कि जितने में हमने माल खरीदा था उसके ऊपर हम जो प्रॉफिट लेकर चल रहे हैं, जो मुनाफा लेकर चल रहे हैं, वो 40% का लेकर चल रहे थे, यानी कि 3.5 लाख रुपए का हमने माल बेच दिया, तो हमारी जो सेल्स हुई वो हुई 3.5 लाख रुपए की। सिंपल। अच्छा अब हमने इसमें से 1 लाख रुपए का जो माल था वो तो हमने कैश में बेचा था, और उस कैश में से 95,000 हमने बैंक में जमा किया था और 5,000 हमने कैश में रखा था, तो इसकी एंट्री हम ऊपर ही देख चुके हैं। ये 95,000 जो बैंक में डिपॉजिट किया था और ये 5,000 रुपए जो हमने कैश में रख लिया था, तो इसका जो इंपैक्ट है, इसका जो इफेक्ट है वो यहाँ बैंक बैलेंस में और कैश में ऑलरेडी आ चुका है, इसलिए हमें दोबारा यहां पर इंपैक्ट लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। चलिए साथ ही हमने 2,50,000 का, 2.5 लाख रुपए का जो माल था वो हमने कुमार क्लॉथ हाउस को क्रेडिट पर बेचा था, यानी हमने उसको बोला था कि पैसा हम बाद में ले लेंगे, कोई बात नहीं, आप मुझसे इतना सारा सामान एक साथ ले रहे हो तो मैं पैसा बाद में ले लूंगा, तो इसलिए ये 2.5 लाख रुपए हमारे डेटर्स में आ गए। जिसको हम माल उधार पर बेचते हैं, जो पैसा हमारे पास बाद में आने वाला होता है, उसे बैंकिंग भाषा में बोला जाता है डेटर्स या रिसीवेबल्स या ट्रेड रिसीवेबल्स या ट्रेड डेटर्स, बहुत सारे नाम है, तो मैंने यहां सिंपली लिख दिया डेटर्स 2.5 लाख रुपए। डेटर्स मतलब चूंकि हमारी डेट उसके नाम पर खड़ी हुई है, हम अभी उससे पैसा बाद में लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने सैलरी में 6,000 रुपए कैश में पे कर दिए, तो मैंने इसको सिंपली लिख दिया स्टाफ सैलरी 6,000 रुपए। ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी का बिल, मोबाइल का बिल, पैकिंग के एक्सपेंसेस, ये सारे ही खर्चे हैं जो मैंने यहां सिंपली ऐसे ही लिखे, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस 2,000 रुपए, मोबाइल एक्सपेंसेस 2,000 रुपए, पैकिंग एक्सपेंसेस 1,000 रुपए। जो हमने रेंट पे किया 24,000 रुपए, ये भी एक तरह का एक्सपेंस है, ये भी खर्चा है, तो मैंने यहां लिख दिया रेंट 24,000 रुपए। और जो डेप्रिसिएशन, यानी कि जो हमारे कंप्यूटर और फर्नीचर की वैल्यू कम हुई थी, उसकी जो वैल्यू का लॉस हुआ था, वो मैंने डेप्रिसिएशन के नाम पर यहां पर 30,000 रुपीज लिख दिया। तो इस तरह से हमने एक एक इसके एलिमेंट को, एक एक इसके आइटम को हमने देख लिया कि किस आइटम को क्या कहते हैं, और उस आइटम की नेट जो वैल्यू थी वो हमने यहां पर सबके आगे मेंशन कर दी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि इसमें आगे इसको फाइनेंशियल्स में कैसे लेकर जाते हैं। हमें अभी अपने प्रॉफिट का कैलकुलेशन करना बाकी है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा एडजस्टमेंट और करते हैं। हमने इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया, और साथ ही हम इन सारे कॉलम्स को अब हम हाइड कर देते हैं, क्योंकि इन कॉलम्स का हमारा काम खत्म हो चुका है। तो ये अब हम देखेंगे कि किस आइटम को क्या कहा जाता है, बैंकिंग की भाषा में, बैलेंस शीट की भाषा में, या फाइनेंस की भाषा में। सबसे पहले आ जाता है कैपिटल, जो कि 4 लाख रुपए था। कैपिटल क्या होता है? कैपिटल असल में हमारे बिजनेस के लिए लायबिलिटी होती है, हमारी बैलेंस शीट में ये लायबिलिटी में आता है। क्यों आता है, इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। ये बहुत ही सिंपल है। जब हम कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो हम जो अपना पैसा लगाते हैं उसमें, उसको कैपिटल कहते हैं, पहली चीज। अब वो कैपिटल हम एक तरह से बिजनेस को देते हैं, और जब भी कभी वो बिजनेस बंद होगा, जब भी वो बिजनेस खत्म होगा, तो हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि वो बिजनेस हमें वो पैसा वापस दे। तो बिजनेस के लिए
ऐसा कोई भी पैसा जो उसे आने वाले समय में वापस देना है, वो बिजनेस के लिए क्या बना? वो बिजनेस के लिए बन गया लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? लायबिलिटी मतलब होता है उधार, यानी कि जो बाहर का है। बिजनेस के लिए जो भी चीज बाहर की है, ये पैसा बिजनेस का अपना नहीं है। तो पैसा जब बिजनेस का अपना नहीं है, ये कैपिटल जो है वो बिजनेस का अपना नहीं है, तो अपना नहीं है तो वो बन गई लायबिलिटी, वो चीज हो गई बाहर की। इसलिए कैपिटल आता है बैलेंस शीट में लायबिलिटी में। ऐसे ही जो मैंने पैसा फादर से लिया, पापा से लिया 1,00,000 रुपए, ये भी पापा को कभी ना कभी हम वापस देंगे। वो बात अलग है कि वापस शायद ना देना पड़े, जब तक बिजनेस रन करता रहे तब तक हम ये पैसा लगा रहने दें उसमें, लेकिन कभी ना कभी तो वापस जाएगा। तो चूंकि जो चीज वापस जानी है वो बाहर की है, तो उसे कहा जाएगा बैलेंस शीट के लिए लायबिलिटी। परफेक्ट। अब हम आ जाते हैं बैंक बैलेंस पे और कैश इन हैंड पे। अब बैंक अकाउंट किसका है? बैंक अकाउंट बिजनेस का है। तो बिजनेस के बैंक अकाउंट में जो भी पैसा पड़ा है वो किसका है? वो पैसा बिजनेस का है। ऐसे ही बिजनेस के पास कैश में जो पैसा पड़ा है वो पैसा किसका है? जैसे हमारी जेब में जो पैसा पड़ा होता है कैश में, वो किसका होता है? वो मेरा होता है, चाहे वो आया कहीं से भी हो। ऐसे ही मेरे अकाउंट में अगर कोई पैसा पड़ा है तो वो किसका है? वो मेरा है, चाहे वो कहीं से भी आया हो, लेकिन एक बार वो मेरे अकाउंट में आ गया तो वो पैसा मेरा हो जाता है। ऐसे ही मेरी जेब में जो पैसा एक बार आ जाता है वो पैसा मेरा है, चाहे उसका सोर्स कुछ भी हो। बिल्कुल इसी तरह से बिजनेस के बैंक अकाउंट में जो पैसा पड़ा है वो बिजनेस का अपना पैसा है। तो जो चीज अपनी है बिजनेस की वो होता है एसेट। कैश में जो पैसा बिजनेस के पास पड़ा है वो उसका अपना है, तो वो हो गया एसेट। अब हम आ जाते हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट पे। सिक्योरिटी डिपॉजिट जो मैंने अपने लैंडलॉर्ड को दिया है, वो जब मैं शॉप चेंज करूंगा या मैं शॉप को बंद करूंगा तो वो पैसा मुझे लैंडलॉर्ड से वापस मिलेगा, यानी कि वो मेरा पैसा है जो कहीं और है। तो जो मेरा पैसा कहीं और है वो होता है एसेट। तो इसलिए मैंने इसके आगे लिखा बैलेंस शीट में एसेट साइड में आएगा ये। ऐसे ही फिक्स एसेट्स हैं। फिक्स एसेट्स बिजनेस के अपने हैं, बिजनेस ने अपने काम के लिए उनको खरीदा है, उनको एक्वायर किया है, तो इसलिए वो भी बैलेंस शीट में एसेट्स में आएंगे। सिंपल। चलिए आगे चलते हैं। अब हमने 8,000 रुपए जो क्लीनिंग पे खर्च किए, व्हाइट वॉशिंग पे खर्च किए, तो ये तो सिंपल है कि ये खर्चा है, ये पैसा वापस नहीं आने वाला। एक बार चला गया वो खत्म, वो पैसा जा चुका है। तो वो कहां पर आएगा? वो आएगा हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में, हमारे खर्चों में आएगा। तो इसलिए मैंने इसको यहां पे लिखा प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंडिचर। सिंपल है। अब ऐसे ही परचेजेस, जो हमने माल खरीदा, माल खरीदने के लिए जो पैसा खर्च कर दिया वो पैसा जा चुका है बिजनेस में से बाहर, तो ये कहां आएगा? ये भी P&L में एक्सपेंडिचर साइड में आएगा, ये पैसा चूंकि बिजनेस से निकल चुका है। अब हम आ जाते हैं क्रेडिटर्स पर, यानी कि जो मैंने माल उधार में खरीदा था, जो मैंने पैसा अभी तक दिया नहीं है, यानी कि ये भी पैसा एक तरह से बाहर का है और मुझे कभी ना कभी तो देना पड़ेगा, जो भी हमारे बीच में तय हुआ होगा रामा गारमेंट्स और मेरे बीच में जो तय हुआ होगा कि कितने दिनों में पैसा वो वापस मेरे से लेगा, लेकिन हमें देना तो पड़ेगा। और जो देना पड़ेगा, जो पैसा बाहर का है, वो होता है लायबिलिटी। इसलिए मैंने इसको लिखा बैलेंस शीट लायबिलिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आ जाते हैं स्टॉक के ऊपर। जो स्टॉक मेरे पास फाइनली बच गया वो कहां आ जाएगा? तो स्टॉक जो मेरे पास फाइनली बच गया वो कभी ना कभी तो बिकेगा, और वो बिजनेस का अपना स्टॉक है, तो बिजनेस का जो अपना स्टॉक है वो बन जाता है बैलेंस शीट के लिए एसेट। इसलिए मैंने इसको लिखा बैलेंस शीट एसेट। साथ ही ये प्रॉफिट एंड लॉस में इनकम साइड में भी आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इसकी इनकम मुझे आनी है, ये भी मेरा इनकम का पार्ट है। ये इसको बिल्कुल ऐसे समझते हैं कि जैसे मान लीजिए कि हमने कोई 10 रुपए का पेन खरीदा, 10 रुपए के 2 पेन्स खरीदे, उसमें से 1 पेन 6 रुपए का था और 1 पेन 4 रुपए का था। अब हमने जो 6 रुपए वाला पेन था वो हमने 8 रुपए का बेच दिया, तो फिर अब मैं अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका प्रॉफिट कितना हुआ, तो आप कैसे निकालेंगे इस प्रॉफिट को? तो इस प्रॉफिट को निकालने का तरीका क्या होता है कि हमने कितने का स्टॉक खरीदा, यानी कि हमने 10 रुपए का स्टॉक खरीदा, हमने 2 पेन खरीदे थे, एक 6 रुपए का और एक 4 रुपए का, और 6 रुपए वाला पेन हमने 8 रुपए का बेच दिया, तो हमने खर्चा जो किया वो तो किया 10 रुपए का, और हमने जो सेल करी वो करी 8 रुपए की। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि आपको तो 2 रुपए का लॉस हो गया, क्योंकि आपने खरीदा जो था वो तो 10 रुपए का खरीदा था और जो बेचा वो 8 रुपए का। लेकिन नहीं, आपके पास जो 4 रुपए वाला पेन था वो अभी बच भी गया है। तो हम क्या करेंगे, जो मैंने माल बेचा है उसमें हम जो मेरे पास माल बच गया है उसको हम जोड़ देंगे, तो हमारे 8 रुपए जो मैंने बेचा था उसमें 4 रुपए जो मेरे पास माल बच गया उसको मैं जोड़ देता हूं। तो 8 में जब आप 4 रुपए जोड़ते हैं तो बन जाता है 12 रुपए। तो एक्चुअली आपका जो खर्चा हुआ था वो हुआ था 10 रुपए का,
और जो आपने कमाया वो कमाया 12 रुपए, तो असल में जो आपका प्रॉफिट हुआ वो हुआ 2 रुपए का, ना कि आपका लॉस। ऐसे ही इसीलिए जो स्टॉक मेरे पास बच जाता है वो भी मेरी इनकम का पार्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने जो ट्रांसपोर्ट पे जो खर्चा किया वो तो खर्चा हो गया 2000 रुपए, वो तो गया, वो वापस नहीं आने वाला, तो ये सीधा सीधा प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा, खर्चे की तरफ। अब जो हमने सेल करी, जो हमने माल बेचा, वो क्या हो गया, वो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में इनकम साइड में आएगा, क्योंकि ये तो इनकम है हमारे लिए, रेवेन्यू है, ये हमने माल बेचा है। जैसे परचेजेस खर्चा होता है, सेल्स इनकम होती है, उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट। आगे बढ़ते हैं। अब हम आ जाते हैं डेटर्स पर। डेटर्स मतलब जो माल मैंने उधार बेच दिया, जो पैसा मेरे पास नहीं आया, लेकिन ये पैसा कभी तो आएगा, और जो पैसा बाद में आने वाला है वो मेरा अपना है, तो वो हो गया बैलेंस शीट में एसेट का पार्ट हो गया। अब हम आ जाते हैं कुछ और खर्चों पे, जैसे मैंने सैलरी पे की, बिजली का बिल पे किया, मोबाइल का बिल पे किया, पैकिंग पे खर्चा किया, रेंट पे किया, ये सारे क्या हैं, ये सारे खर्चे हैं जो एक बार बिजनेस से निकल गए, अब ये वापस नहीं आने वाले। तो जो चीज वापस नहीं आने वाली वो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंडिचर का साइड बन जाती है, वो मेरा खर्चा है। ऐसी डिप्रिसिएशन है, डिप्रिसिएशन हालांकि ये खर्चा मैंने किसी को पे नहीं किया है, लेकिन क्या है, मेरा नुकसान तो है, क्योंकि जो चीज मैंने अपने बिजनेस को रन करने के लिए खरीदी थी, जो फर्नीचर खरीदा था, कंप्यूटर खरीदा था, उसकी वैल्यू धीरे धीरे कम होती चली जा रही है। तो इसलिए बिजनेस में अपना प्रॉफिट जब आपने कैलकुलेट करना है या लॉस कैलकुलेट करना है, तो इस वैल्यू को हमेशा ध्यान में रखना है, क्योंकि जिस चीज से हम अपने बिजनेस को रन कर रहे हैं वो चीज की वैल्यू लगातार हर दिन, हर घंटे, हर मिनट कम हो रही है, तो उस वैल्यू में जो कमी आ रही है उस कमी को भी कैलकुलेट करना है, और उसको बैंकिंग की भाषा में, अकाउंटिंग की भाषा में डिप्रिसिएशन बोला जाता है। तो ये 30,000 रुपए का डिप्रिसिएशन हो गया, ये भी हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में खर्चों की तरफ चला जाएगा। तो ये तो अब हमने जाना कि किस आइटम को क्या कहा जाता है, वो आइटम हमारे बैलेंस शीट में या प्रॉफिट एंड लॉस में कहां जाएगा और क्यों जाएगा, इसका हमने पूरा तरीका देख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम जैसे जैसे हमने यहां पे इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है उसको हम अपनी बैलेंस शीट और पीएनएल का पार्ट बनाएंगे। चलिए तो अब हमने ये बैलेंस शीट और ये हो गया हमारा पीएनएल। बैलेंस शीट क्या होती है, जैसा मैंने पहले ही बताया, बैलेंस शीट के दो पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट होता है बाहर का है, यानी कि जो भी कुछ बाहर से आया है पैसा या बाहर जाने वाला है वो होता है बैलेंस शीट में लायबिलिटी। दूसरी तरफ होता है इसमें एसेट, जिसे हम कहते हैं अपना है, जो भी कुछ बिजनेस का अपना है या वापस आने वाला है वो हो जाता है बैलेंस शीट के लिए एसेट। ऐसे ही पीएनएल क्या होता है, पीएनएल में सिंपली दो ही पार्ट्स होते हैं, एक होता है खर्चा और एक होता है कमाया, हमने क्या क्या खर्च कर दिया और क्या क्या कमाया। लेफ्ट साइड में आ जाता है जो कुछ हमने खर्चा किया, जो कुछ हमने एक्सपेंडिचर किया, और राइट साइड में आ जाता है जो कुछ हमने कमाया। चलिए अब हम देखते हैं कि जो हमने यहां पे एक एक आइटम को डाला था कि कौन सा आइटम क्या कहलाएगा, उसको बस हमने सिंपली यहां लाकर लिख दिया है। जैसे सबसे पहला आइटम था हमारा कैपिटल, तो मैंने कैपिटल को लायबिलिटी साइड में यहां पर लिख दिया। मैंने इसीलिए यहां पर कलर कोडिंग की हुई है कि हम आसानी से जान सकें कि कौन सा आइटम कहां जाने वाला है। तो लायबिलिटी साइड में हमारे पास क्या 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 चीजें आएंगी, एक तो आ गया कैपिटल 4 लाख रुपए, एक आ गया अनसिक्योर्ड लोन 1 लाख रुपए, और एक ये जो क्रेडिटर है जो मुझे बाद में पैसा देना है ये भी हमारी लायबिलिटी थी, तो ये हो गया 2 लाख रुपए। चलिए ऐसे ही एसेट साइड में जो जो चीजें मैंने यहाँ ग्रीन कलर की हुई है वही चीजें मैंने यहाँ पर एसेट साइड में डाली है, यानी कि हमारा बैंक का बैलेंस 96,000 था वो, जो कैश इन हैंड था 34,000 वो, और सिक्योरिटी डिपॉजिट, फिक्स असेट्स, क्लोजिंग स्टॉक और हमारे डेटर्स, ये सारा था हमारा एसेट साइड, तो ये मैंने एसेट साइड में डाल दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इसका टोटल। तो टोटल जब मैंने किया तो क्या होता है, लायबिलिटी साइड में कैपिटल था, अनसिक्योर्ड लोन था, क्रेडिटर्स था, इसका जो टोटल किया वो बना 7 लाख 7 लाख। ऐसे एसेट साइड में जब हमने सारी चीजों का टोटल किया, सारे आइटम्स का टोटल किया, वो बना 7,25,000। तो ये तो प्रॉब्लम हो गई, यहां पर मिसमैच आ रहा है 25,000 रुपीज का, ये मिसमैच क्यों आ रहा है, कोई बात नहीं इसको हम आगे देखते हैं। ऐसे ही हमारे आइटम्स में जो चीजें बच गई हैं जो कि प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट हैं वो मैंने यहां पर ग्रुप कर दी। खर्चे में खर्चे वाले सारे आइटम्स को ग्रुप कर दिया, जैसे हमारा ये क्लीनिंग का खर्चा था, परचेजेस थी हमारी, स्टाफ सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस, मोबाइल का बिल,
पैकिंग के खर्चे, हमारा रेंट, हमारा डेप्रिसिएशन, ये जो सारा ब्लू कलर में मैंने कोडिंग करी है, ये सारा हमारा खर्चे का पार्ट हो गया। तो ये मैंने डाल दिया हमारे P&L में खर्चों की तरफ। ऐसे ही कमाया क्या हमने, जैसा मैंने पहले बताया कमाई में हमारे पास क्या क्या चीजें आ रही हैं। कमाई में हमारे पास आ रहे हैं दो ही आइटम यहां पर। एक तो आ रही है हमारी सेल्स, जो कि 3.5 लाख रुपए की, 3,50,000 की सेल्स हमने करी थी, और साथ ही हमारा क्लोजिंग स्टॉक, जो माल हमारे पास बच गया, वो भी हमारा इनकम ही है। तो इसको मैंने डाल दिया यहां पर अपने कमाया वाले सेक्शन में, यानी कि इनकम वाले सेक्शन में। तो इस तरह से हमारा P&L भी पूरा रेडी हो गया। अब हमने इसका भी दोनों साइड का टोटल किया, तो खर्चों का टोटल आया 4,75,000 और जो हमारा कमाई का जो टोटल आया वो आया 5 लाख रुपीज। तो यहां पर भी डिफरेंस आ गया 25,000 रुपए का। 25,000 रुपए का डिफरेंस बैलेंस शीट में भी आ रहा था, 25,000 रुपए का ही डिफरेंस हमारे P&L में भी आ गया, प्रॉफिट लॉस में भी आ गया। ऐसा क्यों? ये जो डिफरेंस है यही है हमारा नेट प्रॉफिट, यानी कि हमने फाइनली क्या कमाया अपने बिजनेस में। तो एक्चुअली ये जो डिफरेंस है, ये जो बैलेंसिंग फिगर है, यही हमारी प्रॉफिट की फिगर है। तो जैसे ही हम यहां 25,000 रुपए डालते हैं, तो ये टोटल हमारा 4,75,000 से बढ़के हो जाता है 5 लाख रुपीज। तो इस तरह से हमारा प्रॉफिट लॉस टैली हो जाता है, दोनों साइड्स बराबर हो जाते हैं। और यही 25,000 रुपए जो है ये फाइनली कहां जाएगा, ये बिजनेस अपने मालिक को कमा के दे रहा है। तो मालिक को कमा के जब दे रहा है, तो जो चीज बिजनेस ने देनी है वो क्या होती है, वो होती है लायबिलिटी, वो बनती है लायबिलिटी का पार्ट। तो वो नेट प्रॉफिट की फिगर यहां पर भी आएगी 25,000 रुपए की। तो हम यहां पर भी डालेंगे नेट प्रॉफिट, ये डाला हमने यहां पे नेट प्रॉफिट 25,000 रुपीज। तो जैसे ही हम यहां 25,000 रुपीज डालेंगे, तो ये जो टोटल में मिसमैच आ रहा था हमारा 25,000 का, ये अब मैच हो जाएगा, 7,25,000 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा P&L भी मैच हो गया, दोनों तरफ का टोटल हो गया 5 लाख, और हमारा बैलेंस शीट भी मैच हो गई, दोनों तरफ का टोटल हो गया 7,25,000 रुपीज। तो ये था हमारा सिंपल सा कॉन्सेप्ट बैलेंस शीट और P&L को समझने का। बैलेंस शीट में कोई भी फिगर कहां से आती है, उसका इंपैक्ट क्या होता है, उसको क्या कहते हैं और क्यों कहते हैं, उसकी ग्रुपिंग क्यों की जाती है, कहां पर की जाती है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और बेल आइकन अगर आपने अभी तक प्रेस नहीं किया तो प्लीज उसको प्रेस कीजिए। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, जब आप कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। वापस आते रहिए और एंजॉय करते रहिए आपके वीडियोस। ये हमारा जुनून है कि हम बैलेंस शीट को, बैंकिंग को बहुत आसान बनाने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।